गिरना बात। पहले विश मांगो। पोपट हो गया। तो गाइस अभी हम लोग इन जैसे बच्चे लोग कूदना जाए, था इंटरेस्टिंग चीज दिखा। ये देखो वो दोनों बेवकूफ वहाँ पे घूम रहे। वो पेड़ है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, बीचों बीच में हेलीपैड बना हुआ। बहुत ही अच्छी जगह है ये। तीन लोग जा रहे हैं। Hey guys, welcome back to my new vlog. And guys, आज का vlog काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। मेरी डेली की लाइफ ऐसी होती है तो उसमें कुछ खास दिखाने को है नहीं, आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो गाइज जो मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, तो वो बात एकदम सच है। ट्रांसफॉर्मेशन मैं जरूर करूंगा, डेली व्लॉग्स का नहीं कह सकता, लेकिन हफ्ते में दो से तीन व्लॉग डालने की कोशिश करूंगा। तो आज जहाँ जा रहे हो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह है, तो वहाँ आपको चल के दिखाते हैं सीधे। और आपको जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वो आपको आगे पता ही चल जाएगा। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और हम तीन लोग जा रहे हैं, वही पुराने ऋषभ बाबा और हम जा रहे हैं गाड़ी से इस जंगल के बीच से। ये अच्छी सी लोकेशन थी, यहाँ रुक के मैं बस रिकॉर्ड कर रहा था। तो अभी चलते हैं आगे और दिखाते हैं आप लोगों को वो वाला बीच 2.0। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और कहां पे आए हैं ये आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में चल रहे पानी से पता चल गया होगा। हम लोग आए हुए हैं शारदा नगर। शारदा नगर हमारे घर के आसपास ही पड़ता है, हमारे यहां से 20 किलोमीटर। बहुत ही अच्छी जगह है ये। बेसिकली यहां पे एक डैम बना हुआ है, जब भी पानी बहुत ज्यादा होता है यहां पे तब देखने वाला होता है। और इस टाइम कुछ ऐसे सीन चल रहा है, पिछले कुछ दिनों में बहुत जोर से बारिश हुई है, मेरे कॉलोनी में तक भर गया था पानी। यहाँ पे तो बात ही अलग है, फिर यहाँ ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये है कैसा। तो गाइज ये देखो कितनी जोर से पानी निकल रहा है इधर से, ये देखो। और ये सारा पानी उस डैम के नीचे से जाके निकलता है, वो जो डैम्स हैं इनके नीचे से जाके निकलता है। वहां से देखने में ज्यादा मस्त लगता है, और कितनी जोर से पानी निकल रहा है देखने में डर लगता है ऊपर से देखने से। तो मैं वहां पे चल के भी आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड गाइस यहाँ बीचों बीच में हेलीपैड बना हुआ है, पता नहीं किस लिए यहाँ पे। मैंने तो कभी कोई हेलीकॉप्टर उतरते हुए नहीं सुना ना देखा। साइड साइड में जो पेड़ बने हुए हैं ये बहुत, इसके नीचे जाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पत्थर पड़े हुए। चलो मैं वहाँ पे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो गाइस कितना जोर से पानी चल रहा है यहाँ पे। वीडियो में देखने में बहुत ज्यादा हल्का सा ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये जब आप लोग रियलिटी में आपको देखोगे यहाँ पे तब पता चलेगा कितना ज्यादा फ्लो तेज है इसका। यहाँ से ये पत्थर की बात मैं कर रहा था जो पेड़ के नीचे है, और यहाँ पे बैठ के आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है क्योंकि ये पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में रहते हैं और बाहर साइड में धूप होती है, तो इसके नीचे आप लोग बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। गाइस अभी यहाँ से निकल के मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ, आगे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाने के लिए आप लोगों को, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या क्या चीजें और है। एंड गाइस ये है छोटा सा एरिया, वो पेड़ है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। अभी ये है वो छोटा सा एरिया जहाँ से आप लोग इस व्यू को इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस ये है इस साइड का डैम, इस रोड का, और वहाँ से भी वो लंबा सा डैम बना हुआ है। तो इधर की हालत आप देखिए, पानी की आवाज़ आ ही रही होगी, कितना गंदा, ये सब गंदगी यहीं पे आके इकट्ठा हो रही है। ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा लेकिन बहुत जोर से पानी चल रहा है। एंड इसके साइड ये जो नहर आप लोगों को बहुत दूर तक दिख रही है, ये हमारी उधर निकली है। लोग यहाँ खड़े, लग रहा है कुछ हो रहा है, देखते हैं चल के क्या हो रहा है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे भैया लकड़ी उठा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग हैं दूसरी साइड में, जो दूसरी मैं दूर से रोड दिखा रहा था उस वाली रोड पे हूँ। और यहाँ पे आप लोग देखो ये देखो कितनी जोर से पानी चल रहा है यहाँ पे। ये जरा इस जगह पे देखो कितना जोर से फ्लो है, ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा ना। यहाँ देखो, ये देखो,
चलते हैं अभी दूसरी साइड और आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं इधर क्या क्या सीन है। ये देखो पूरा समुद्र की तरह इतना दूर तक पानी पानी दिख रहा है, पूरा गंदा पानी है और स्मेल आ रही बहुत ज़ोर से। और ये देखो वो देखो कितनी ज़ोर से फ्लो है, ये देखो ज़रा है कितना भयानक लग रहा है। अगर इसमें कोई धोखे से भी गिर गया तो वो सीधा का सीधा नीचे जाएगा। ये देखो ऊपर से आ रहा है पानी, इसलिए इतनी जोर से आवाज आ रही थी। यहाँ बहुत ऊपर पानी है, वो देखो किधर किधर से आ रहा है पानी सारा। ये एक और एरिया है ऐसा कुछ गार्डन टाइप का, लेकिन यहाँ पे बहुत गंदी गंदी सी घास है, कारीगरी कर रखी है पेंटर्स ने। और यहाँ पे ऐसा व्यू है कुछ, यहाँ पे ऐसी जालियाँ लगी हुई हैं ताकि इन जैसे बच्चे लोग कूद ना जाए इधर धोखे से। गाइस ये दूसरा एरिया जो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था, तब मैं पता है कहाँ पे खड़ा था, तब मैं खड़ा था इस जगह पे यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ से ऐसे दिखाते दिखाते अभी इस साइड आ चुका हूँ। अभी हम लोग शादनगर से निकल के आ चुके हैं बालाजी मंदिर, और ये बालाजी मंदिर इसी रोड पे पड़ता है थोड़ी सी दूर पे, और हम लोग इधर से निकल रहे थे सोचा दर्शन कर लेते हैं यहाँ पे। गाइस यहाँ पे एक जादू वाली चीज़ है, लोग अपनी विश मांग के यहाँ पे चिपका देते सिक्के और चिपक जाते दीवार में चिपक जाते हैं, ठीक है जैसे ये देखो चिपके हुए ना। ये गाइस यहाँ की एक यूनिक सी चीज़ है इस मंदिर की, इसीलिए ये मंदिर बालाजी इतना ज़्यादा फेमस है। पोपट हो गया गाइस, विश मांगनी पड़ेगी उसके बाद चिपकाएंगे अच्छे से, तब चिपकेगा, पहले विश मांगे। पहले विश मांगो, आप जाओ चिपकाओ। रुको अभी गिरना बाकी है, रुको एक मिनट, गिर जा। ऐसी कौन सी विश मांग ली होगी चिपक गया। अच्छा